हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज के वीडियो में मैं अनरेडी होने वाली हूँ। तो मैंने ईद मेकअप लुक किया था, तो उसी का ये मैं अनरेडी शूट करने वाली हूँ। और जितना भी ये खूबसूरत सा मैंने मेकअप किया था, उसे बस अब उतारना है। तो सबसे पहले ये जो मेरी ब्यूटीफुल सी इयररिंग है, ये मेरी वेडिंग ज्वेलरी जो मैंने ली थी उसका इयररिंग है, तो उसे ही मैंने आज यूज़ किया था। तो इयररिंग उतार लिए मैंने, अपने बालों को भी जो खुले हुए मैंने रखे हुए हैं उसे बांध लूँगी क्योंकि बहुत गर्मी है अभी। ओके, तो मैंने यहाँ पे बाल को अपने बन बना लूँगी और शाम हो गई थी इसलिए आपको लाइटनिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखेगी। ओके, तो यहाँ मैंने अपने बाल को बांध लिया है और अब मैं अपने प्रोडक्ट साइड ढूँढ रही हूँ कि कहाँ गए। तो सबसे पहले मैंने ये अपनी लैसेस उतार लिए, ये मैग्नेटिक लैशेस थी तो उसे मैंने उसके डब्बे में अच्छे से डाल दिया। देखिए, अब मैं सबसे पहले ये ले रही हूँ आयुर का ये मेकअप रिमूवर। ये सबसे सस्ता मेकअप रिमूवर है, ओनली 50 रुपीज़ में मैंने इसे परचेज़ किया था और ये बहुत अच्छे से आपके मेकअप को निकाल देता है और चेहरे को बहुत ज़्यादा ग्रीसी और ऑयली भी नहीं बनाता है। इससे लगभग सारे तरह के मेकअप जो है वो उतर जाते हैं। वाटरप्रूफ मस्कारा वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लेकिन थोड़ी देर में वो भी अच्छे से उतार देता है। तो हल्के हाथ से मैं 1-2 मिनट तक ऐसे मसाज करूँगी और सारा मेकअप जो है ना बहुत अच्छे से इससे मेल्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैं एक वेट वाइप ले रही हूँ और उससे इस तरह से सारा मेकअप पोंछ दूँगी। आप चाहे तो कॉटन की हैंकी वगैरह से भी टॉवल से उसे साफ कर सकते हैं। देखिए कितना सारा मेकअप निकला है। मेकअप करने में इतना टाइम लगता है लेकिन हटाने में बस एक झटके में हट जाता है। बहुत मेहनत लगती है मेकअप करने में। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे फेस वॉश के लिए लोटस का ये वाइट ग्लो फेस वॉश ले रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा फेस वॉश है, आपकी स्किन को ना ज़्यादा ड्राई नहीं बनाता है। अब मैं इसे पानी से वॉश कर लूँगी। ओके, तो मैंने पानी से फेस को वॉश कर लिया है और अब इसे टॉवल से पैर ड्राई कर दिया है मैंने। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे ले रही हूँ ये अल गुडनेस की लिकोरिश टोनर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करके और ड्राई होने देना है, एयर ड्राई। उसके बाद यहाँ पे ले रही हूँ मामा अर्थ की स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम। इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करने में आप यहीं पे छोड़ सकते हैं अपना जो है स्किन केयर का, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑयली स्किन है लेकिन उस टाइम ना इतनी गर्मी नहीं थी, तो देख रहे हैं इसको लगाने के बाद कितना फेस सच में इल्यूमिनेट करता है। ये मैं ऑयली स्किन है मेरी तो एलोवेरा जेल ले रही हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, ये गुड वाइब्स की एलोवेरा जेल है। तो इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ऑयली स्किन के लिए ना जेल वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बचता है ना, मेरी ख़राब आदत है कि मैं उसे हाथों पर इस तरह से लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक लिप बाम, ये मिंट लिप बाम है, सेंसेशन देती है लिप्स पे, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये लिप बाम। ओके गाइस, तो देखिए फेस कितनी ग्लोई लग रही है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।